हेलो दोस्तों, डायमंड ज्वेलरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ये एंगेजमेंट रिंग बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इसका मैकेनिज्म हम आगे देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो क्या करना है, पहले हमें रिंग साइज लेना है। तो मैं US 7 का रिंग साइज ले रहा हूँ, एंगेजमेंट रिंग है तो नॉर्मली US 7 में ही बनता है। ठीक है, अभी मैं राइट व्यू से टॉप में मैं 12 mm का एक लाइन लिया और बॉटम में 5 mm का एक लाइन लिया, यानी मैं टॉप में चौड़ाई रखूँगा 12 mm रिंग का और नीचे में 5 mm रखूँगा। ठीक है, ये राइट व्यू का मेरा मेजरमेंट है। अभी इसको मैंने ऊपर मूव किया 4 mm तक, 3.5 mm, 3.5 mm मूव किया। ठीक है, तो फ्रंट व्यू से इसका हाइट मैं 3.5 दूंगा और नीचे में 2 mm रखा है। ठीक है, हाइट हम आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल मैं 3.5 के हिसाब से ले रहा हूँ। अभी क्या है, एक आर्क लाइन लेना है। ठीक है, आर्क लाइन लेके इसका सेक्शन बनाना है। ठीक है, अभी सेक्शन को हमें रिबिल्ड करना है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, स्वीप ऑन करके देख लेता हूँ। ठीक है, कैसा शेप बन रहा है। इसको क्लोज स्वीप करेंगे तो क्लोज, ठीक है, तो पूरा रिंग का आ जाएगा। ठीक है, तो ये शेप आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करके मैं राइट व्यू से सेक्शन को थोड़ा चेंज करता हूँ। तो पहले क्या करता हूँ, मैं कार्ब को रिबिल्ड करता हूँ, ये पार्ट मैं थोड़ा फुगा देता हूँ। ठीक है, फिर से एक बार रिबिल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे शेप थोड़ा ख़राब लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा क्लोज ले लेता हूँ। ठीक है, नीचे का पार्ट को भी थोड़ा रिबिल्ड कर लेते हैं, रिबिल्ड करके शेप को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा सेक्शन रेडी हो गया। अभी हम फिर से एक बार स्वीप ऑन कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं सीम सरफेस करता हूँ। ऊपर के साइड मेरा जो कटा हुआ पार्ट है वो मैं उसको मूव करके नीचे की तरफ लाऊंगा। ठीक है, तो सरफेस सिम कमांड है, ये देखो ऊपर से कटा हुआ पार्ट मेरा नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, ये बहुत यूजफुल कमांड है, इसको आगे आप कोई भी डिजाइन बना रहे हो तो यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं इसको पैक कर दूंगा, इसको ज्वाइन कर देते हैं। एक बार नेकेड एज चेक कर लेते हैं, यहाँ पे नेकेड एज आ रहा है, तो नेकेड एज बंद करना पड़ेगा। तो ज्वाइन नेकेड एज, ज्वाइन एजेस कमांड है, ये मैंने नेकेड ये साइड का बंद कर दिया। ये साइड का भी एक बार देख लेते हैं, ये भी हमें बंद करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी आप काम कर रहे हो, सॉलिड बना रहे हो ना, तो उसका पहले एक चीज़, सॉलिड बनाने के बाद एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि उसमें कोई एज खुला तो नहीं है, नेकेड एज तो नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स में नेकेड एज रहेगा ना तो वो मेटल का कुछ काम नहीं है। तो हमेशा नेकेड एज को पैक करना पड़ेगा। तो ये साइड का मेरा नेकेड एज बंद नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर से सरफेस बना लिया पैच करके। ठीक है, तो अभी मैं जॉइन नेकेड एज करूँगा, तो ये मेरा जॉइन हो गया। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, ट्विस्ट कमांड यूज करूँगा। ठीक है, इसको ट्विस्ट करूँगा, सरफेस को सॉलिड को लाया मैंने, यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म में ट्विस्ट कमांड में गया, सेकेंड पेज में आएगा, नीचे से ऊपर की तरफ। तो इसको मैं 30 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, 25 कर रहा हूँ, 30 ज़्यादा लगेगा, 25 कर रहा हूँ। तो इसका देखोगे फ्रंट व्यू थोड़ा चेंज हो गया,
अभी मेरा जो आईडी है उसके हिसाब से ये थोड़ा रिंग का पार्ट को मैं मेटल को स्केल करूँगा। नीचे का जो थिकनेस मैंने 2 mm दिया है वो 2 mm ही रखना है, उसके हिसाब से हमें स्केल करना है। ठीक है, अभी मैं जो आईडी है उसको एक्सट्रूड करता हूँ बोथ साइड। ठीक है, एक्सट्रूड किया। अभी आईडी रिंग का जो सॉलिड मेटल है उसको मैं बुलियन डिफरेंस कर दूँगा, तो ये मेरा स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, अभी मैं मुझे इसके ऊपर पैटर्न बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर का सरफेस को पहले कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ऊपर का सरफेस को कॉपी कर लिया, एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट करके उसका हाफ पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, ये हाफ पार्ट में हम इसका जाली बनाएंगे, तो मैं पहले इसको 0.5 का एक ऑफसेट दे देता हूँ, ऑफसेट देके स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो ये बॉर्डर रहेगा। अभी ये सरफेस को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑफसेट मार लेता हूँ अंदर के साइड में 0.3 का, सॉलिड नहीं करना है। एक सॉलिड मार के एक क्या करना पड़ेगा, एक बुलियन डिफरेंस करना पड़ेगा और दूसरा एक ऑफसेट को। ये मैंने बुलियन डिफरेंस कर दिया, अभी ऊपर का सरफेस को मैंने कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसको मैंने 0.3 का ऑफसेट दे दिया, सॉलिड नो करना है, बोथ साइड ऑफ करना है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर मैं पाइप करूँगा। ठीक है, जो भी टेक्सचर है मैं उसको ड्रॉ करूँगा, नहीं तो क्या होगा, ऊपर मैं उसके ऊपर बनाऊंगा ना तो ये ऊपर चला जाएगा, जब मैं पाइप करूंगा तो रिंग का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं ये सरफेस को रिबिल्ड कर रहा हूँ। आप देखो कि मैं जितना यहाँ पे क्वांटिटी चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो यह पोर्सन मुझे यहाँ पे सो सरफेस आइसोकार्ब यहाँ पे विजिबल करना है, तभी ये दिखेगा। ठीक है, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्ब में जाके इसको एक्सट्रैक्ट वायर फ्रेम करना पड़ेगा, थर्ड पेज में एक्सट्रैक्ट वायर फ्रेम, तो ये 2D आ जाएगा। जैसे मेरा सरफेस में लाइन लाइन दिख रहा है ना, इसका पूरा 2D आ जाएगा। देखो मेरा 2D आ गया। अभी इसको मैं पाइप कर सकता हूँ इजीली, तो मैं 0.3 या 0.35 का पाइप दे देता हूँ, 0.3 का। ठीक है, इजीली इसका जाली बन जाएगा, इसके लिए अलग से फ्लैट में बनाने का ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेरा रिंग का ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो बन गया। अभी क्या है, मेरा रिंग पूरा सॉलिड है, तो अभी मैं इसको सॉलिड नहीं रख सकता, सॉलिड रहेंगे तो क्या बहुत हेवी होगा रिंग, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्कूपिंग करना पड़ेगा। तो स्कूपिंग के लिए हम लोग एक कमांड यूज करेंगे, पहले सेल कमांड यूज करके देखेंगे, अगर सेल कमांड नहीं हुआ तो दूसरा मैनुअली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये सरफेस को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी पर लॉक कर रहा हूँ। अब ये सरफेस को मैंने ट्रिम कर दिया, अभी इसको मैं ऑफसेट दूंगा, अंदर के साइड में 1 mm या 0.8 0.9 दे रहा हूँ। ठीक है, 0.9 का ऑफसेट दिया। अभी इसको मैं क्या करूँगा, सॉलिड कर लूँगा, जैसे रिंग का मेटल को मैंने सॉलिड किया था ऐसे ही सॉलिड कर लूँगा। तो इधर मैंने डुप्लीकेट एज लेके इसको मुझे पैच कर देना है,
उल्टा साइड में भी मुझे पैच करके पैक कर देना है। ये पैच नहीं हो रहा है तो मैं एक बार डुप्लीकेट एज फिर से ले लेता हूँ। ठीक है, अभी इसको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करके नेकेड एज चेक करेंगे। इसमें नेकेड एज आ रहा है तो हमें नेकेड एज को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब नेकेड एज को ज्वाइन नहीं करोगे ना तो इससे ये जो मैंने कटर बनाया इससे वो बुलियन डिफरेंस भी नहीं होगा। ठीक है, पहले आपको मेटल को ज्वाइन करना, नेकेड एज बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं पूरा नीचे की तरफ तो काटूंगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा कटर को नीचे से काट दूंगा। ठीक है, तो ये 45 एंगल में इसको एक लाइन ले लिया। ठीक है, लाइन को मिरर किया, ये पार्ट में कटर का हम काट देंगे अलग से। ठीक है, स्प्लिट कर दिया मैंने इसको। फिर इसको कटर को हमें क्या करना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कटर को यहाँ पे मैंने पैच कर सकते हो, तो पैच करने के लिए यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन देना पड़ेगा, एंड पैक करना पड़ेगा, फिर मैं पैच कर सकता हूँ। तो ये पैच हो गया। दूसरा साइड भी हमें ऐसे ही पैच करना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक डुप्लीकेट एज लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये सरफेस अभी हम ज्वाइन कर लेते हैं सब सिलेक्ट करके। तो ये कटर मेरा बन गया। अभी मैं रिंग को ये कटर से बुलियन डिफरेंस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा फुल रिंग, फुल स्कूपिंग हो गया रिंग। ठीक है, इसका वेट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा जाली रिंग रेडी हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना, एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।